दोस्तों महाराष्ट्र में पहुंचे थे भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनको महाराष्ट्र प्रशासन और पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहले अपडेट निकल के सामने आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से। मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि एक भाजपा नेता किस तरीके से दिव्यांग व्यक्ति को रोड के ऊपर परेशान कर रहे थे और उसके मुंह के अंदर डंडा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बारे में एक अपडेट निकल के सामने आया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ चंदूसी में पीड़ित दिव्यांग के यहाँ पहुंचे और अपने हाथों से उसे लड्डू खिलाया और उसका मुंह मीठा कराया। दोस्तों इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि धमकी का जवाब वोट से और लाठी का जवाब लड्डू से। यह बातें अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर लिखी थी और इस फोटो को भी पोस्ट किया था। दोस्तों भोजन समाज के लिए अगली अपडेट यह है कि कुंभ में बाल्टी छुजाने से साधु हुए नाराज और उन्होंने तोड़ दिया माता दीन का हाथ। हाँ दोस्तों ये खबर आ रही है कुंभ से। बुधवार के दिन कुंभ में एक सफाई कर्मी जिसकी उम्र 55 वर्ष है और वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, उसने गलती से एक साधु की बाल्टी को छू लिया था। इस बात से उच्च वर्गीय साधु जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने माता दीन को इतना मारा कि उसका दाहिना हाथ टूट गया। दोस्तों इतना मारने के बाद साधु के द्वारा उसका हाथ तोड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाया गया। उसके हाथ में छोटी मोटी पट्टी बांध दी गई थी और थोड़ी बहुत जो ड्रेसिंग होती वो कर दी गई थी। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि साधु पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है, अगर कोई दलित व्यक्ति आपकी बाल्टी भी छू देता है तो उच्च वर्गीय साधु को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो आपको मार मार कर मार भी डाल सकता है, आपके हाथ पैर भी तोड़ सकता है और इसके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं भोजन समाज की। दोस्तों आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि भोजन समाज के एक व्यक्ति को कलेक्टर बनाया गया है इंदौर में। राज्य शासन 2004 के IAS अधिकारी लोकेश जाटव को इंदौर का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों इनको निशांत वरवड़े की जगह कलेक्टर बनाया गया है। तो दोस्तों भोजन समाज का एक व्यक्ति कलेक्टर बन गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों अगली अपडेट भोजन समाज के लिए है कि क्या आप लोग भोजन समाज का कैलेंडर लेना चाहते हैं? क्या आप लोग बाबा साहब का पोर्ट्रेट वाला बहुत शानदार वाला कैलेंडर लेना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप भोजन समाज की की रिंग्स, भोजन समाज की बुक्स सब कुछ लेना चाहते हैं? तो आपके लिए जो सबसे बड़ा हब है, जो भोजन समाज की किताबों की और इन चीजों की सबसे बड़ी दुकान या सबसे बड़े डीलर माने जाते हैं वो है सम्यक प्रकाशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सम्यक प्रकाशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों नया साल आने वाला है और मैं यही चाहूंगा इस नए साल के ऊपर कि आप लोग अगर कैलेंडर या नई चीजें खरीदना चाहते हैं बाबा साहब से रिलेटेड, भोजन समाज से रिलेटेड, तो सम्यक प्रकाशन से खरीदें और किसी भी थर्ड पार्टी से ना खरीदें, क्योंकि सम्यक प्रकाशन हमारे भोजनों की दुकान है और हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों सम्यक प्रकाशन के ऊपर तथागत लाइव चैनल के अंजुल भैया ने एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो ब्लॉग बनाया है जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि सम्यक प्रकाशन कहाँ पर है, आप वहां पर कैसे जा सकते हैं और वहां पर जाके आपको क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलेगी और क्या क्या उनके पास नए आइटम्स है और बाबा साहब की कितनी प्यारी प्यारी किताबें, बाबा साहब की कितनी प्यारी प्यारी फोटोज, गौतम बुद्धा की फोटोज, सब कुछ हमारे महापुरुषों की फोटो, पोर्ट्रेट फोटो सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों वो लोग अपना कैलेंडर भी चलाते हैं सम्यक प्रकाशन का और मूर्तियां सब कुछ आपको मिल जाएगा। छोटी से छोटी चीजें जैसे कि की रिंग्स हो गया, गले के लॉकेट्स हो गए, आप लोगों ने देखा ही होगा कि 14 अप्रैल पे हम लोग कैसे फेटे मेटे बांधते हैं और वो हाथ में बैंड पेंट रहता है वो सब कैसे बांधते हैं, ये सब वहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये सब चीजें आप लोग ऑर्डर देके भी मंगवा सकते हैं, जब आपके घर पे ऑर्डर आ जाएगा तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं या फिर उनके अकाउंट में भी पैसा डाल सकते हैं, दो दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। दोस्तों अंजुल भैया के, दोस्तों तथागत लाइव चैनल के उस वीडियो की मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ। आप सीधा हमारे नंबर पर कांटेक्ट किया, हम उसको कैश ऑन डिलीवरी भी भेजते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भेजते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी भेजते हैं। नंबर बताइए 9818390161 है ना, कपिल बौद्ध मेरा नाम है। तो आप कुछ भी मंगाना चाहे आपको बाय पोस्ट हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है।
दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। दोस्तों महाराष्ट्र में पहुंचे थे भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनको महाराष्ट्र प्रशासन और पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत बड़ी निकल के सामने आ रही है। जिस तरह से भोजन समाज का शौर्य दिवस है 1 जनवरी को, वह इस मौके के ऊपर भीमा कोरेगांव जाने वाले थे और वहां पर जाकर एक जबरदस्त रैली करने वाले थे, लेकिन दोस्तों लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को ये बात पसंद नहीं आई है कि चंद्रशेखर आजाद जी भीमा कोरेगांव जाए। तो दोस्तों वहां की पुलिस और प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया है, यानी कि दोस्तों जिस होटल में वो ठहरा है वहां पर ना कोई अंदर जा सकता है, ना ही उनसे कोई मिल सकता है और ना ही चंद्रशेखर आजाद जी बाहर आ सकते हैं उसके अंदर से। नजरबंद का मतलब तो आप लोग समझती होंगे कि किस तरीके से किसी को नजरबंद किया जाता है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि पुलिस के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना दबाव डाल रही है। बहुत सारे पार्टी महाराष्ट्र पहुंचे हैं और अपने होटल में ठहरे थे तो पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। दोस्तों इसका एक वीडियो है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जिस देश के अंदर नसरुद्दीन ये कहता है कि मुझे डर लग रहा है, उसी देश में जब उनको कहते नहीं डरने की जरूरत नहीं है, आज हम यहाँ पर खड़े हैं होटल के अंदर और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कुछ लोगों से मिल सके गैर कानूनी तरीके से। मैं अब दिखाइए इनको, पूरे गेट को इन्होंने बंद किया हुआ है। जब इनसे पूछा जा रहा है कि रोका क्यों जा रहा है हमें, हमने कुछ गुनाह किया तो गिरफ्तार कीजिए, तो ये गिरफ्तार नहीं कर रहे, किसी को बाहर जाने नहीं दे रहे। ये देखिए पुलिस ने गिरफ्तार करने पूरी बस भी मंगा लिया यहाँ पर। क्या दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा कि जो महाराष्ट्र के भीम आर्मी के कार्यकर्ता है उनके अंदर कितना आक्रोश है और वो इस बात से कितना गुस्सा है। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी भीमा कोरेगांव जाने वाले थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर जाके बहुत बड़ी रैली होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं चाहती है कि हम लोग वहां पर जाए और अपना शौर्य दिवस मनाए, या फिर हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता हो रहे हैं वो लोग वहां पर जाए। दोस्तों मुझे तो समझ में नहीं आया कि बिना किसी गुनाह के वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने कैसे चंद्रशेखर आजाद जी को नजरबंद कर दिया। अगर आप लोगों को पता है इस बारे में तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस बारे में जो भी अगली अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे सबसे पहले ही दूंगा, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे बिना कहीं पर मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति भोजन समाज की अपडेट पाना चाहता हो तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से पा सकता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।